नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस के लिए आप सभी लोग लगातार सवाल करते हैं कि कब इस चीज का हमें पैसा मिलेगा, जो फैसला आया है उस चीज का अमल करते हुए सरकार कब हमको हमारा जो हक है वो देगी। इस संबंध में कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको साफ तौर पर बताया था कि कुछ लोग आपको दूसरी तरीके की बात करके कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इस तरीके की बात करके आपसे पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं और वो चंदा वसूली कर रहे हैं, आपसे आपका फायदा उठा रहे हैं, आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको लगातार बच के रहना है और सभी को बचा कर भी रखना है कि आप इन सभी लोगों को का विरोध करेंगे और किसी को भी एक रुपया नहीं देंगे। अब मैं आपको यह बता देता हूं, जो 17,000 मानदेय का मुद्दा है वो पूरा, उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और आपको जो है आपका हक, यानी कि जो एक साल का फैसला लिया गया है जिसमें आपको एक साल का पैसा दिया जाएगा, वो उसे मिलने की कार्यवाही जो है वो बहुत जल्द चालू हो सकती है और सरकार का पूरा मूड भी है कि आपको जो आपका हक है, जिसका फैसला लिया गया है एक साल का पूरा हक देने का, वो मिलेगा भी। फिलहाल आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि सरकार किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में नहीं है, जिसकी जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरी डिटेल से दी थी और उसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जो मैंने आपको बताई थी जो इस समय चल रही है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, आपको किसी भी विरोधी तरीके की बात को नहीं करना है, क्योंकि जो अनुदेशकों की छवि अब बहुत अच्छी बन चुकी है सभी के सामने और इसी छवि का फायदा मिलते हुए आपको नई शिक्षा नीति में भी जो आपका उज्जवल भविष्य है वो बनेगा। उसके साथ साथ में आपका जो 17,000 मानदेय का पूरा पैसा है वो भी आपको जल्द ही मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।